अय्या, अय मेरा बच्चा क्या कर रहा है? क्यों इस कचरे में हाथ डाल रहा है? ये तो कबाड़िए का सामान है। वो दादा ये जॉगर्स निकाल रहा था बस में से। दादा ये क्यों ढूंढ रहा है? तुझे तो नए लाने थे ना। दादा वो नए वाले ना पैरों में चुभते बहुत है, ये थोड़े से आराम दे ना, तो सोच रहा था प्रैक्टिस के लिए इन्हीं को इस्तेमाल कर लूं। आए मुझसे तो कहा था कि ये ढीले हो गए, मुझसे भागा नहीं जाता, इन्हें पहन के पाँव निकलता है। जब भी तो वो 3,000 वाले लिए थे जो काट पीट के एक तरफ किए। अच्छा दफा कर, नए ले आना, ठीक है? हाँ इसके पैसे खत्म हो गए। अरे पैसे क्यों खत्म हो गए? अभी उसी दिन तो मिले इसे पैसे। अरे मुझे भी 1,000 रुपए दिए थे मेरे बच्चे ने। बाकी इसने मुझे दे दिए वो बुशरा वाले मेहमानों के खानों। अच्छा अच्छा फिर ऐसा कर, ये रख पैसे और अपने लिए नए जूते। क्या हो गया? मैंने आपसे वापस लेने के लिए आपको पैसे दिए थे। अरे बेटा ये मेरे बटवे में रखे क्या अंडे बच्चे देंगे? तेरे काम आ जाएंगे। नहीं प्लीज दादू को समझाए। रख ले, आपको पता है ना इसका, वो नहीं लेगा। रख ले, इसके नए जूते कैसे आएंगे? दादू ये आपकी सोचने की चीजें नहीं है, आप इधर बैठ के नाश्ता करें प्लीज। आ जा। कुर्बानी का दुम्बा ही आया, होता नहीं है। बहनों का मान बढ़ाने, जिम्मेदारियां उठाने और अपने बाप का बाजू बनने के लिए पोता मांगा था। दूसरी तरफ बुशरा की सुनो, वो कहती है सवाई इसके और किसी की अहमियत ही नहीं है घर में। गलत तो वो भी नहीं, पता नहीं गलत कौन है। छुट्टी कराई थी, आके मेरा थोड़ा हाथ बिठा दो। हमारे अब्बा पहुंच जाएंगे अपने दोस्तों के साथ 2 बजे, जरा आके सब्जी कटवा दो। मिली किधर हो? मिली जी, टैंकी में पानी खत्म हो गया, जरा मोटर चला दो। अम्मी पानी तो मेरे बाथरूम में भी नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है मोटर की तार जल गई है। मोटर की तार जल गई, उसे कौन ठीक करेगा? मैं तो अब्बा भी नहीं है, मैंने तो इतना सारा काम करना है, पालक भी नहीं धुली। वो याया है ना घर पे, आप उसको आवाज लगाए ना। अच्छा याया बेटा, याया जी। बेटा वो जरा मोटर खराब होगी, आके चेक कर लेना। अयो हमारा बच्चा मोटर मैकेनिक है क्या? माँ क्या कह रही है, पड़ोसी है जाना पड़ेगा। अरे हाथ वात आ गया बच्चे का तो? अरे हमारे घर की तो मशीनें ठीक करता है। याया। हाय आंटी। बेटा मोटर चल जाएगी ना? हाँ कैसे नहीं चलेगी, आपको चला के दिखाऊंगा। ये देखिए चल गई। बहुत शुक्रिया बेटा, आप जीते रहो। मिली के साथ खुश रहो। मिली के साथ चाय पियोगे? वो दादी वो नाश्ता करके आया हूँ। अरे अभी तुम्हारी दादू की आवाज आ रही थी कि या चाय पीता जा, चलो चल।